विद्वान, अब मैं क्या करूं मालिक, मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं अपने लाचार भाई कोढ़ी गणेश को कैसे अलग कर दूं, अपने से जुदा कैसे कर दूं। मेरा भाई परेशान है, ऐसी परेशानी में मैं अपने भाई को कभी जुदा नहीं करूंगा। नहीं गणेश, नहीं गणेश, मैं रो नहीं रहा हूं, तुम्हारे भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लाता हूं। नहीं भैया। अरे आपके आंखों से आंसू भैया नजर क्यों आ रहा, आपके आंखों से आंसू भैया नजर क्यों आ रहा, और देख करे हालत तुम्हारी मेरा जिगर सदमा क्या भैया जिगर पर साफ तुम मुझसे कहो, है कसम तुमको हमारी अब नहीं जाता रहा, भैया आखिर आपकी आंखों से क्यों आंसू बह रहे हैं, आप साफ साफ बतलाइए भैया, आपके दिल पर जो सदमा है मुझसे छिपाओ नहीं, आपको मेरी कसम है भैया, आखिर क्या बात है। गणेश मेरे भाई, मैं अपने आंसू का कारण अगर तुम्हें बता दूंगा तो तुम इसी जमीन में समा जाओगे मेरे भाई। आखिर बात क्या है भैया, और कसम ही दे दिए हो तो मैं अपने आंसू का कारण तुमसे जरूर बताऊंगा। तेरी भाभी अधिक हो गई बात पर, करना ओ चाहती तुमको मुझसे अलग, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, विद्या अपनाऊं या कर दूं तुझको अलग। मेरे भाई तेरी भाभी बातों बातों पर उलझ गई और नाराज हो गई, उसने ये कहा अपने लाचार भाई कोढ़ी गणेश को अपने से जुदा कर दो, उसे घर से भगा दो। मेरे तो समझ में नहीं आता मेरे भाई, मैं विद्या को अपनाऊं या तुम्हें अपनाऊं। अरे अपनी पहेली अब मुझको बुझावो नहीं, साफ ही बतलावो तुम पर क्या आफत पड़ी, सब्र होता नहीं एक पल भी मुझे, जाने दिल पर है भारी क्या उलझने पड़ी।
अपनी पहेली क्यों बुझा रहे हो भैया? आप साफ साफ क्यों नहीं बतलाते हो? आप साफ साफ बतलाइए मेरे भाई, आपको मेरी कसम है, आखिर बात क्या है? साफ साफ बतलाइए भैया। गणेश, तेरी भाभी नाराज हो गई। उसने ये कहा, अपने लाचार भाई कोढ़ी गणेश को अपने घर से भगा दो। यही तो मेरे समझ में नहीं आता कि मैं विद्या को अपनाऊं या तुम्हें अपनाऊं। लेकिन मेरे भाई, मैं ये घर त्याग सकता हूँ, तेरी भाभी को त्याग सकता हूँ, लेकिन 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 तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ मेरे भाई? गणेश, गणेश, मैं वादा करता हूँ, एक घर त्याग कर, तेरी भाभी को त्याग कर और तुझे अपने साथ लिवा कर कहीं दूर चला चलता हूँ। दूर चलकर भीख मांगकर गुजर कर लूंगा और जिंदगी में दोबारा इस घर में लौट कर वापस नहीं आऊंगा। मेरे भाई चल, मेरे भाई चल, तुझे लिवा कर कहीं दूर चला चलता हूँ। अरे आपी की बात सुन कर गया सूख में, जाने क्यों बैठा जाता कलेजा मेरा। अरे हाथी गरी आज होते जो भैया मेरे, खुशियों से छोड़ जाता मैं घर आपका। भैया आपकी बात सुनकर तो मेरा कलेजा फट रहा है। अगर आज ऊपर वाले ने मेरे हाथ दोनों हाथ दिए होते तो आपको कहने की जरूरत न पड़ती भैया। बेशक मैं ये आपका घर छोड़ कर चला जाता, लेकिन मेरे भाई मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगा? मेरे भाई, इस हालत में तुम मेरे साथ रहोगे, हम तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो आज तुम्हें लिवा कर कहीं दूर चला चलता हूँ और यहाँ वापस नहीं आऊंगा। चलो मेरे भाई चलो। इस तरह घर छोड़ कर जी जा जीना जा, नाराज होकर चले जा रहे हो। अगर आप चले जाएंगे तो आप बिना दीदी घर में कैसे रह पाएगी? क्या करूं
जाने से पूजा हो गया लाचार हूँ। से सोच कर मैं हो गया बेजार हूँ। एक तरफ दीदी तुम्हारी और एक तरफ भाई मेरा, किसको छोड़ू किसको अपनाऊं, मैं बन गया पतवार हूँ। पूजा मैं क्या करूं, हर तरह से सोच समझकर लाचार हो गया हूँ, बेजार हो गया हूँ। एक तरफ तुम्हारी दीदी है और एक तरफ मेरा भाई है, मैं किसको छोड़ूं और किसको अपनाऊं, यही यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है पूजा। इसी से ये घर छोड़कर चला जा रहा हूँ। आपकी मजबूरी जीजा जी मैं जानती, इतनी अनजान हूँ मैं जीजा नहीं, करती विनती हूँ मैं दे दो गणेश को, इनकी सेवा करूंगी मैं हर तौर से। जीजा जी ये आपकी मजबूरी मैं सब समझ रही हूँ, इतनी अनजान नहीं हूँ। जीजा जी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप अपने गणेश को मुझे दे दीजिए, मैं इनकी सेवा कर लूंगी। ये क्या कह रही हो पूजा, तुम मेरे भाई गणेश को मुझसे मांग रही हो? हाँ जीजा जी। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपना भाई गणेश तुम्हें दे दूं? यदि मैं अपना भाई गणेश तुम्हें दे देता हूँ तब तो मेरा भाई गणेश भूखे मर जाएगा, लाचार है, परेशान है। मेरे भाई गणेश को ना मांगो पूजा, अब मुझे किसी पर विश्वास और भरोसा नहीं रहा, मैं अपने गणेश को नहीं दे सकता हूँ। जीजा जी मेरी बात पर विश्वास करो, मेरे ऊपर भरोसा करो, आप अपने गणेश को मुझे दे दीजिए, मैं अपने घर ले जाना चाहती हूँ। देख रही हो पूजा, देख रही हो मेरे भाई गणेश के दोनों हाथ में कोड़ है, ये अपने हाथों से खाना नहीं खा पाता पूजा, मैं ही अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। मुझसे मेरे भाई गणेश को ना मांगो, मुझे किसी पर विश्वास नहीं है पूजा। जीजा जी मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, पहले रोटी गणेश को खिलाऊंगी बाद में मैं खाऊंगी। क्या कहा पूजा, तू भगवान की कसम खा रही हो? तो तेरी बातों पर मुझे भरोसा हो रहा है, विश्वास हो रहा है कि तू मेरे गणेश की देखरेख अच्छे ढंग से कर लेगी। ठीक है पूजा, मैं तुझे अपना भाई गणेश जरूर दे दूंगा। गणेश मेरे भाई, आज मैं तुझे
पूजा को सौंप रहा हूं। पूजा कसम खा रही है तुम्हारी देखरेख अच्छे ढंग से कर लेगी और कह रही है पहले मैं गणेश को खाना खिलाऊंगी बाद में खाना खाऊंगी। मुझे पूजा की बातों पर विश्वास हो रहा है गणेश, और जब जब तेरी भाभी का दिमाग ठीक हो जाएगा गणेश, जब तेरी भाभी का दिमाग ठीक हो जाएगा गणेश, तब मैं तुझे फिर वापस बुला लूंगा गणेश। पूजा, एक बात मैं तुमसे और कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है जीजा जी? अगर मेरे भाई गणेश को न खिला पाना तो मेरा भाई गणेश मुझे वापस कर देना। ठीक है जीजा जी, चलो गणेश। जाओ जाओ पूजा, जाओ मेरे भाई को लेकर जाओ। बसीलाल सेठ जी, पूजा अभी तक वापस नहीं आई, एक हफ्ता हो गया, किया जाए कुछ समझ में नहीं आता है। सेठ जी, पूजा दीदी गई है अपने दीदी के यहाँ। ओ अपने दीदी के यहाँ गई है, अब घूम ही टहर ही खाई ही पी ही तब ने आई ही। नहीं बसीलाल, कॉलेज खुल गया है, उसे आ जाना चाहिए, मालूम होता है। कहता सेठ बाबू हम चले जाए। अगर विचार है तो चला जा, तुम्हें चला जा। नहीं नहीं हम ना जाओ सेठ बाबू, ना जाओ। अरे सेठ बाबू अगर हम जाओ तो यह दीदी कहीं कि बाबू नहीं आए ना अपन नौकर भेजे हैं। तो ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। हाँ, यहाँ का देखभाल करो और मैं विद्या के घर जा करके पता लगाऊं कि पूजा बीमार तो नहीं पड़ गई, बात क्या है, क्यों नहीं आई। ठीक है सेठ बाबू, ठीक है ना। भगवान हो, बता हमारी बहनिया पुजवा, देखो उस कोढ़ी को रोटी खिलाने पे तुल गई। और रोटी की बात छोड़ो, जब यहां से जाने लगी उस कोढ़िया गणेशवा को अपने साथ लेके चली गई। जा भले ले गई, मेरे घर की सारी मुसीबत हट गई। अब मैं यहां ऐसे रहूंगी, आप किसी से क्या डरना क्या कहना, किसी क्या संकोच, आप खाऊंगी आए सुड़ाऊंगी। अरे पिताजी आप विद्या, अरे प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटी, और सब तो कुशल मंगल है? हाँ पिताजी, सब मंगल ही मंगल है। अरे आप अभी खड़े हैं? अरे आप बैठिए, आइए बैठिए। बैठा पिताजी। अरे कुशल अपना बापू जी बतलाइएगा, कुशले अपना बापूजी, कुशले अपना बापू जी बतलाइएगा, नहीं कोई दुख दर्द अब छिपाइएगा, नहीं कोई दुख दर्द।
हो घरी हमारे मैं सेवा करूंगी, नहीं कोई दुख दर्दी अब छिपाइएगा, नहीं कोई दुख दर्दी। अरे पिताजी, अपने हाल चल कही, अपना दुख दर्द कही, आप कैसे किस हाल में हैं पिताजी? बेटी तो कुशल से हूँ बेटी, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ? से हूँ बेटी, भगवान करे कि आप कुशल पूर्वक रहें पिताजी। तो कुशल से हूँ बेटी, मैं सच कह रहा हूँ, और अभी घर से भागा चलाया। क्या जानना चाहते पिताजी? जानना यह चाहता हूँ, तो गई घर तो वापस अभी तक ना पूजा, उसी के लिए बस मरा जा रहा। घर वापस नहीं गई, उसी के लिए परेशान घर से दौड़ा दौड़ा चला आ रहा हूं। क्या पूजा बीमार पड़ गई? बात क्या है, क्यों नहीं गई? सुबह ही घर से पूजा हमारे गई, हाँ? जाते वक्त मुझसे कुछ पूछी नहीं, जो मेरा कोढ़ी देवर गणेश था पिता, जाते वक्त वो ले गई साथ में। हाँ पिताजी, वो कोढ़ी कैसा तुमने साथ लेके गई है? तो ऐसे कोढ़ी तो क्यों घर में ले गई, उसके जाने से बदनाम हो जाऊंगा। हाँ पिताजी, जाके लेता खबर कोढ़ी पूजा की, मैं अब यहाँ एक पल भी न रह पाऊंगा। हाँ पिताजी, आप तुरंत जाइए, उस कोढ़िया को खबर लीजिए, और आज कोढ़िया अपने साथ लेके गई है। कोढ़ी और पूजा दोनों का खबर लेता हूँ। नालायक लड़की मेरे घर में कोढ़ी को लेकर के गई है, उसके जाने से तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल बदनाम हो जाएंगे कोढ़ी को आज देखेंगे। अरे आप किरान पड़ोसी सब आपको ताना मारेंगे, थू थू करेंगे कि सेठ के घर में कोढ़ी आ गया। मैं अभी जा रहा हूँ बेटी, मैं अभी जा रहा हूँ। अरे पिताजी आप जाइए, लेकिन कुछ चाय नाश्ता कुछ पी खा लीजिए, तब जाइए पिताजी। मैं तेरे यहाँ कच्चा पानी नहीं पीऊंगा। चाय नाश्ता की बात करती हो, अपने घर की बला मेरे घर भेज करके चाय नाश्ता करा रही हो, नालायक लड़की। अरे पिताजी आप काहे गुस्सा इतना हो जाते हैं? अरे मत चाय पीजिए, अरे मठवाई पीजिए, मठवा पीजिए पिताजी। माठा पिला रही है, नहीं मालूम है डॉक्टर ने हरका कि माठा मत पिया करो। अरे पिताजी आप बार बार क्यों डॉक्टर के चक्कर में पड़ते हैं? डॉक्टर के चक्कर में तो दुनिया पड़ी है, तो मैं क्यों ना पड़ जाऊँ? अरे माथा छानिए, गुड़ खाइए, भेले की भेला, पानी पीजिए, आराम कीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। दादी कि मैं तेरे यहाँ कच्चा पानी नहीं पीऊंगा, तो मुझे माठा पिला रही है, पिला रही है। बेसन ए भगवान हो, बताए मेरे पिताजी अभी अभी आए ठंडी में, अभी अभी चला गया ठंडी में, मेरे यहाँ चाय नाश्ता कुछ नहीं किए। अरे चाय नाश्ता की बतिये छोड़ो, मेरे यहाँ तक कच्चा पानी तक नहीं पिए, उसी पुजवा कोढ़िया के कारण। ओ जो हराम जादी,
उस कोढ़िया गड़सव को अपने साथ लेके गई। कसम से आप पिताजी यहाँ से बहुत क्रोध में गए हैं। आप उन दोनों को जहां भी पाएंगे इतना मारेंगे कि वो भी हरना जी याद रखेगी कि मैं किस कोढ़ी को अपने साथ लेके आई। जा, मुझे क्या करना, जैसे तू करेगी वैसे ही भोगेगी। हाँ, मुझे क्या करना? हम कहे साधू बाबा पाँव लागी। खुश रहो बेटा, बोलना नहीं आता है नालायक, मैं तेरा साधू लगता हूँ क्या? आखिर मेरे अंदर कौन सा ऐसा गुण है जो कि तुम अपने घर द्वार को छोड़कर मेरे साथ चली आई हो? इनको अपने दिल से कभी नहीं भूल सकती।